हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर भारस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तो आज का क्वेश्चन भी है डिफरेंस बिटवीन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तो पहला पॉइंट द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज 1975 टू 1984 यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड था वो था 1975 से 1984 तक और द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज 1985 टू नाइनटीन और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड था वो था 1985 से 1990 उसके बाद दूसरा पॉइंट एल एस आई सी यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट और वी एल एस आई सी यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड माइक्रोपोसर ओयर यूजड एज द मेन कंपोनेंट यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में एल एस आई सी और वी एल एस आई सी और माइक्रोप्रोसेसर मेन कंपोनेंट था और यू एल एस आई सी यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वेयर यूज एज द मेन कंपोनेंट तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में यू एल एस आई सी मेन कंपोनेंट था उसके बाद अगला पॉइंट प्रोसेसिंग स्पीड इज फास्ट यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो तेज था और प्रोसेसिंग स्पीड इज मोर फास्टर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग स्पीड था वो और भी तेज था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से उसके बाद अगला पॉइंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी के आई पी एस हैच नॉट फॉग्रेस्ड यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ए और के आई पी एस प्रोग्रेस्ड नहीं हुआ था और ए आई एंड के आई पी एस हैच प्रोग्रेस्ड यानी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नॉलेज इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम प्रोग्रेस्ड हुआ था उसके बाद अगला पॉइंट स्टोरेज कैपेसिटी इच हाई यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो ज़्यादा था और स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज फर्दर और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो पिछली से और भी ज़्यादा था

फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था वो था एसक्यूएल लैंग्वेज और द कंप्यूटर यूज हाई लेवल लैंग्वेज एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी सी प्लस प्लस जावा ई और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया गया था वो था सी सी प्लस प्लस जावा और इट उसके बाद अगला पॉइंट एग्जाम्पल यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की कुछ एग्जाम्पल है आई बी एम फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी वन डी सी टेन स्टार वन थाउजेंड पी यू पी एलेवन ए टी सी और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल है परम टेन थाउजेंड आई बी एम नोटबुक्स इंटेल फी फोर लैपटॉप्स ए टी सी जो इतना कुछ डिफरेंस बिटवीन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना